तो मैंने सब्जी बनाई है, वो भी शिमला मिर्च और बेसन की सूखी सब्जी। ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, यकीन मानिए सब्जी बहुत ही टेस्टी है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही इजी है, बहुत कम चीजों में बनकर ये सब्जी तैयार हो जाती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का कल ढोने किचन में स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे 4 से 5 शिमला मिर्च, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 टोमेटो बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इस कढ़ाई में मैं डालूंगी 1.5 चम्मच तेल। अब जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा और राई मिक्स किया हुआ। जीरा राई हमारा जैसे ही चटकने लगे, हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग। ये देखिए हमारा जो जीरा राई है वो अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारी शिमला मिर्च कटी हुई है, वो इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लें। अब हमें यहाँ शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूंज लेना है। ये देखिए हमारी जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी थोड़ी पकना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह करेंगे और ये जो 1 टमाटर है वो अब इसमें मैं डाल दूंगी। ऐसे करने से जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल जाएंगे। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है। ये देखिए जो हमारा टोमेटो है वो भी गलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसाले वही जो हम रेगुलर सब्जी में यूज करते हैं, हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मसाले नहीं डालने वाले हैं। हम नॉर्मली जो सब्जियां बनाते हैं बस वही मसाले हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लूंगी थोड़ी सी हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक। अब मैं यहाँ लूंगी 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। शिमला मिर्च की सब्जी है इसलिए हम इसमें मिर्च पाउडर ज्यादा नहीं डालेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अभी से कितनी अच्छी दिखने लग गई है। अब 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल के देख लेंगे। ये देखिए हमारी जो शिमला मिर्च और टमाटर है वो अच्छे तरह से पक गए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कटोरी बेसन। हम इसमें 1-1 चम्मच करके बेसन ऐड करते जाएंगे। और फिर इस तरह से इसे मिलाते जाइए। यहाँ पे 2 चम्मच बेसन मैं और ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 5 से 6 चम्मच बेसन यूज किया है। अब इसे हमें अच्छे से भूंज लेना है। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए ताकि जो बेसन हमने डाला हुआ है वो अच्छे से भून जाए और उसका कच्चापना सब निकल जाए। ये देखिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये हमारी सब्जी कितनी टेस्टी दिख रही है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख दूंगी ताकि जो हमने इसमें बेसन ऐड किया है इसका कच्चापन निकल जाए और ये सब्जी अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। वाओ, ये देखिए हमारी शिमला मिर्च और बेसन की सूखी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी दिख रही है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी शिमला मिर्च और बेसन की सूखी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है और टेस्टी भी है। तो दोस्तों आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ताकि ऐसी नई नई रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।